हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी गेमिंग हब पे तुम लोगों का बेसिकली वेलकम करता हूँ। बाकी अपना नया स्ट्रीमिंग सेटअप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी स्ट्रीम पे मतलब इतना ज़्यादा लाइव नहीं आ पाऊँगा, बट ये मेरा वीडियो सेटअप भी होगा जिससे हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, मी एंड आप लोग। तो मैं जब भी लाइव आऊँगा तो इसी प्लेटफॉर्म के साथ में आऊँगा, जिससे मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व करूँगा। बाकी यार देखो, टाइम इस टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा है, रिक्वेस्ट बहुत सारी हैं। कोई कह रहा है डूम पे बनाओ, कोई कह रहा है वॉक्स पे बनाओ, कोई बता रहा है पैरागॉन पे बनाओ। तो ये वीडियो बेसिकली मैं जो अभी बना रहा हूँ ये इसी पर्पज़ से बना रहा हूँ कि सबको मैं ये बता पाऊँ कि पैरागॉन बनने का सफ़र कैसे होगा, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। देखो, जहाँ तक बात रही एक्ट 6 की, तो भाई आज के टाइम में आप लोगों के पास हरक्यूलिस है, आप लोगों के पास CGR है, बट मैंने जब मारा था इसको, मैंने तब पर्सनली 5 स्टार्स ही थे गेम में, 6 स्टार बिल्कुल स्टार्टिंग गेम मतलब स्टार्ट ही हुए थे तब मैंने मारा था, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो 6 स्टार से तो चीज़ें आसान हो गई हैं, बट तब भी यार मैंने सोचा कि तुम लोगों को बताऊं। उस टाइम पे भाई लोग मैंने कौन सा पाथ लिया था, मैं तुमको ये दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये था मेरा पाथ, जो मेरा कंप्लीशन पाथ था। यहाँ पे मैंने ह्यूमन टॉर्च को यूज़ किया था, बहुत अच्छा था इस वाले पाथ पे। बाकी और बहुत सारे जो भी चैम्पियंस हैं इस पे पाथ पे, रेज था तो नेलिफाइंग चैम्पियंस भी आज की डेट में, तो ये मेरा कंप्लीशन पे सबसे अच्छा पाथ रहा था। बाकी ग्रैंड मास्टर की वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। जहाँ तक बात रही बुक 2 की, तो बुक 2 में लोग मुझसे पूछते हैं पैरागॉन कैसे बने, भाई थोड़ा सा गाइड दे दो मुझको। तो यार गाइड की क्या मैं बताऊँ, सबसे पहली चीज़ तो ये पहला एक्ट, ये भाई कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पर्सनली अगर तुम लोगों को कोई ऐसी क्वेस्ट चाहिए जिसका पाथ तुम लोगों को नहीं पता चल पा रहा है भाई कौन सा ईजी है कौन सा नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कॉमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ लेना, तो वो मैं पर वीडियो तुम्हें बताता रहूँगा, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन के थ्रू। बट मैं तुम्हें बता दूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात रही इसकी ग्वेन मास्टर की, तो इसको मारने का सबसे अच्छा था, पहली चीज़ तो पाथ बता दूँ तुम लोगों को ग्वेन मास्टर वाली। अगर तुम क्वेस्ट में जाओ तो सबसे पहले ये वाला पाथ लेना, क्योंकि इस वाले पाथ से तुम्हें मिलेगा ग्वेन मास्टर पे एक फ्यूरी बूस्ट। उस फ्यूरी बूस्ट का काम क्या होता है, वो तुम्हारा अटैक इतना हाई कर देता है कि तुम लोग ग्वेन मास्टर को ऐसे ही मार दोगे, चुटकियों में सिर्फ डैमेज से ही मार दोगे, ठीक है। तो मेरी जितनी बात है उतनी सुनना, नॉर्मली खेलना इंटरसेप्ट कर करके, और इसी पाथ पे आना तो तुम लोग को फ्यूरी मिल जाएगी, तो बाकी इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं लेने। बाकी जहाँ तक बात रही 7.3 का कैंग, तो उसके लिए देखो 7.3 का जो ये कैंग था ये बहुत ज़्यादा बदतमीज कैंग था, मैं सच बोल रहा हूँ 7.4 से भी ज़्यादा बदतमीज था ये मेरे लिए। तो इसमें मैंने क्या किया था ना, सबसे पहले जहाँ तक रही पाथ का इशू, तो इसमें पाथ का इतना कोई तुम लोग को इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वाला पाथ ईजी था। हाँ, ये पैराडॉक्स वाला यही लिया था मैंने शायद कम्प्लीशन के लिए, बस वॉइड थोड़ी दिक्कत देगा। बाकी यहाँ पे जहाँ तक बात रही इस वाले कैंग की, तो इस वाले कैंग का ना मुझे इतना ज़्यादा अभी याद नहीं है, क्योंकि मैंने चैनल में वीडियो ज़रूर डाली होगी, बट इसका अच्छा काउंटर था विजन आर्कस, ठीक है। वो तुम्हें पैराडॉक्स चार्जेस बना के जाने होते हैं, अगर वो पैराडॉक्स चार्जेस 6 से ज़्यादा नहीं बना के गए हो तो इस कैंग के आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसे डैमेज ही नहीं होता। तो मेक श्योर कि तुम लोग जो पाथ करो, मैंने शायद ये वाला पाथ किया, नहीं ये सबसे हार्डेस्ट पाथ था, याद आ गया मुझे, मैंने सबसे लास्ट में गया था, जो मैंने बताया वो सबसे ईजीएस्ट था। और यहाँ पे पैराडॉक्स चार्जेस बना के जाओगे तुम कैंग के सामने तो उसे मार लोगे, बाकी अगर इस वाले कैंग को नहीं मारना आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, इस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा भाई, तुम लोगों के लिए ले आ जाऊँगा, मार सबको दिया है मैंने, मैं फिर से लड़ूंगा तुम लोगों के लिए। उसके बाद जहाँ तक बात करें इस 7.4 वाले कैंग की, तो यार मैं तुमको लिटरली बता दूँ, इसको मारना चीज़ है अगर तुम्हारे पास अल्ट्रॉन है और तुम्हारे पास ह्यूमन टॉर्च है। खेलना नहीं आता है, मेरे चैनल पे तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगी इस कैंग के खिलाफ की, हिंदी में भी डाली है मैंने, ठीक है। बाकी ना पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा कैंग वाली वीडियो का, ठीक है। बाकी इसके लिए पाथ इतना कुछ ज़्यादा शायद मैटर करता नहीं था मेरे लिए, बट ईजी पाथ्स हैं यार इसके कुछ बहुत ज़्यादा। तुम्हारे पास आज के टाइम में 6 स्टार हरक्यूलिस तक तो है, कौन सी
दिक्कत है यार तुम लोगों को, तुम तो कुछ भी कर लोगे। ठीक है, मेरे टाइम पे मैं ना हर केलस था ना कुछ था, इन सब के पास ईजी है, बट इस वाली का पास ना बताओ तो मैं बता दूंगा, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक का सफर होता है जब इस कैंग को हम मार देते हैं, उसके बाद तीन चैंपियंस, तीन सिक्स स्टार को रैंक थ्री करना होता है, जो आज की डेट में हर कोई कर लेता है यार। साइड क्वेस्ट से इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इवेंट क्वेस्ट से इतने अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं कि अब स्टोरी में वो रैंक थ्री करना तुम लोग के लिए कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। ठीक है, तुम लोग साफ साफ पढ़ सकते हो पैरागॉन के लिए। ठीक है, मैं पैरागॉन नहीं देख सकता क्योंकि मैं खुद पैरागॉन हूँ, तो पैरागॉन बेसिकली वही ना, सिक्स स्टार रैंक फोर, सॉरी रैंक थ्री नहीं गाइज, रैंक फोर, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मुश्किल होगा आप तुम लोगों के लिए, रैंक फोर करना भी उतना आसान नहीं है मेरी नज़र में। हाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रैंक फोर हैं, बट हो जाते हैं यार, आजकल तो इतना ज़्यादा गेम में सब कुछ मिल रहा है, तीन बस तीन यार पैरागॉन बनने के लिए। बाकी अगर कोई क्वेस्ट हो ऐसी जो तुम लोगों को समझ ना आ रही हो, कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी आई होप यार तुम लोगों को ये सेटअप अच्छा लगा हो, बाकी स्टे ट्यून टू माई चैनल, और गाइज मिलते रहेंगे इसी थ्रू। बाय बाय।